पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती आज यानी 23 अगस्त को है। रांची जिले के बुंडू देवड़ी गांव से डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने संसद तक का सफर तय किया। बुंडू अनुमंडल स्थित रांची टाटा मार्ग पर तमाड़ प्रखंड के देवड़ी गांव में आदिवासी परिवार में जन्मे डॉक्टर रामदयाल मुंडा झारखंड ही नहीं पूरे देश में जनजातीय समुदाय में एक गहरी छाप छोड़ चुके हैं। डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म 23 अगस्त 1939 को हुआ था। रामदयाल मुंडा की जयंती है, झारखंड आंदोलन को सांस्कृतिक दिशा दी थी। रामदयाल मुंडा का जन्म 23 अगस्त 1939 को हुआ था। उन्होंने आदिवासी अधिकारों के लिए रांची और दिल्ली समेत यूएनओ में आवाज उठाई थी। 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला। 2010 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। वो राज्यसभा सांसद, रांची विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। जयंती पर दोपहर 3 बजे मोरहाबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान में संगोष्ठी होगी। इस संगोष्ठी में आदिवासी आर्थिकी, आदि धर्म और मुंडारे साहित्य विषय पर परिचर्चा होगी और इन विषयों से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। मई झारखंड आदिवासी विकास समिति की तरफ से टैगोर हिल ओपन स्पेस थिएटर माल्यार्पण किया जाएगा। दो में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किए गए, राज्यसभा के सांसद भी थे। और चलिए हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, आज पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती है और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक जो आदिवासी संस्कृति, जो कहते हैं कि झारखंड आंदोलन को सांस्कृतिक दिशा जब तय की गई थी, वो सिरमौर बने थे रामदयाल मुंडा, तो एक झारखंड के लिए गौरव की बात, सम्मान की बात, और आज रामदयाल मुंडा की जयंती। आज से मौके पे जो झारखंड में तमाम जो रहने वाले जो लोग हैं और उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उनको देखते हुए तमाम लोग याद कर रहे हैं। देखिए, रामदयाल मुंडा की ये प्रतिमा है और धीरे धीरे करके तमाम जो गण्यमान्य लोग हैं और आदिवासी कला संस्कृति से जुड़े जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और माल्यार्पण भी कर रहे हैं। देखिए, रामदयाल मुंडा अपने आप में एक संस्था थे। रामदयाल मुंडा अपने आप में झारखंड की जो कला और संस्कृति है, भाषा है, उसके वो एक्सपर्ट थे, उसके विद्वान थे। और यही वजह है, मैंने पहले भी कहा है कि ये तमाड़ के देवड़ी से निकलकर रांची आना और रांची से फिर निकलकर दिल्ली और दिल्ली से फिर आगे बढ़ते हुए अमेरिका जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना, जापान जाना, रसिया जाना और वह तमाम जगहों में जो झारखंड की जो कला संस्कृति रही उनका उन्होंने प्रचार प्रसार किया
और यहाँ की जो कला संस्कृति का उन्होंने बड़े बड़े मंचों पे मंचन किया, तो उनकी जो उपलब्धियाँ रही थी, देखिए शिक्षा वित्त, भाषा वित्त, राज्यसभा सदस्य रहे थे, और इसके साथ देखेंगे पद्मश्री रहे, उन्हें 2000 उन्हें पद्मश्री दिया गया, तो कई उपलब्धियाँ रही थी और यही वजह है कि वो आगे बढ़ते रहे। और रांची विश्वविद्यालय में उन्होंने जनजातीय भाषा विभाग की स्थापना 1980 ईस्वी में उन्होंने की, इसलिए कि झारखंड में 32 जनजाति रहते हैं और भाषा कैसे आगे बढ़े, क्योंकि भाषाएं धीरे धीरे मरती हैं, भाषा लुप्त प्राय होती है, तो उन भाषा का संरक्षण के लिए उन्होंने यहाँ विभाग की स्थापना की, तो एक बड़ी उपलब्धि रही। और रसिया में जब भारत महोत्सव का आयोजन किया गया, तो पूरे भारत से वो कला संस्कृति टीम के सबसे अगुआ रहे थे, और ढोल नगाड़ा बांसुरी की जो आवाज़ है रसिया में भी सुनी गई, ऑस्ट्रेलिया में भी सुनी गई और अमेरिका में भी सुनी गई, तो आप समझ सकते हैं यहाँ के जो वाद्य यंत्र हैं उनकी पहचान इंटरनेशनल लेवल में उन्होंने कराई, तो आज उनकी जयंती है। और ऐसे समय में अब जो उनके अधूरे सपने हैं, उनका एक सपना था कि जो राज्य में 32 जनजाति रहते हैं उनका एक अखाड़ा हो जिसमें सभी जनजाति आकर अपनी कला संस्कृति को दिखाएं, और यही वजह है कि लगातार ये मांग भी उठती रही है कि टाइगर हिल में वैसा अखाड़ा का निर्माण किया जाए। तो आप समझिए धीरे धीरे तमाम लोग पहुंच रहे हैं, और रांची में अलग अलग जगहों में कई कार्यक्रम हैं, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आदिवासी समाज, आदिवासी भाषा संस्कृति तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने में रामदयाल मुंडा का बहुत बड़ा योगदान रहा था। वैश्विक पटल पर अगर आदिम जनजाति को पहचान मिली तो इसके पुरोधा कहे जाएंगे डॉक्टर रामदयाल मुंडा, क्योंकि उनकी वजह से ये संभव हो पाया। और आज देखिए पूरी दुनिया इस तबके के लिए एक अलग से कोशिश कर रही है, पहल कर रही है, और ये सब इसी का परिणाम है, क्योंकि एक पहल की गई थी आज से सालों पहले जब वैश्विक मंच पर ये मुद्दा उठाया गया था, रामदयाल मुंडा ने जब इसकी बात की थी, डॉक्टर रामदयाल मुंडा ने। हाँ देखिए, पूरे इंटरनेशनल लेवल में देखें या इंडिया के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये दक्षिणी एशियाई क्षेत्रों के जो आदिवासी कला संस्कृति जो रहा है उसको एक मंच भी उन्होंने प्रदान किया था, और उनकी ये दृढ़ इच्छा थी कि पूरे विश्व के जो आदिवासी हैं उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा है, वो कहीं ना कहीं तमाम लोग जाने। और यही वजह है कि अमेरिका में वो उनकी एक अलग पहचान अभी भी है और अभी भी लोग याद करते हैं। और हमने पहले ही कहा था कि रूस में आयोजित जो भारत महोत्सव था वहाँ कहीं ना कहीं पूरे भारत की जो कला संस्कृति रही, पूरे भारत में रहने वाले आदिवासियों की जो भाषा संस्कृति रही उसकी एक झलक जो है उन्होंने इंटरनेशनल पटल पे रखा। और यही वजह है कि जनजातीय भाषा विभाग जो रांची यूनिवर्सिटी में है वहाँ विदेश से यहाँ ट्राइबल लैंग्वेज पढ़ने के लिए लोग आते थे, तो ये उन्हीं का योगदान रहा था कि जब रामदयाल मुंडा रांची विश्वविद्यालय के कुलपति थे, प्रतिकुलपति थे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर रांची विश्वविद्यालय को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर लाने का उन्होंने एक प्रयास किया था। अब देखेंगे कि जो जनजातीय भाषा विभाग है वहाँ विदेश से कोई भी छात्र नहीं आता, लेकिन जब वो थे तो तमाम चीज़ें होती थी और कई देशों से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, तो ये थे रामदयाल मुंडा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका अंजनी। तो पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा की जयंती है और झारखंड में कई जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।